खबर रीवा जिले से है, जहां शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय रीवा में एक दिवसीय एनईपी युवा सारथी प्रशिक्षण कार्यक्रम उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रायोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम नवीन लेक्चर हॉल में संपन्न हुआ। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आरती सक्सेना ने आयोजित कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए कहा है कि जिसका मुख्य उद्देश्य है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के संबंध में फर्स्ट ईयर के छात्रों को जानकारी देना, जो पहले वर्ष में प्रवेश लिया है, सभी प्रथम वर्ष में शामिल छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और वह शिक्षा नीति के संबंध में जानकारी देंगे। प्राचार्य ने कहा कि शासकीय विज्ञान महाविद्यालय जिले का अग्रणी महाविद्यालय है, इसलिए सभी कॉलेजों के छात्र अध्यापक यहां पहुंचे हैं। आइए दिखाते हैं कार्यक्रम और सुनाते हैं प्राचार्य आरती सक्सेना ने क्या जानकारी दी है। पीजी दोनों मिलाकर के इंटीग्रेटेड कोर्स की डिग्री मिलेगी, तो इस तरह से यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। साथ में इस वजह से इस एजुकेशन पॉलिसी में एक बहुत विशेष कार्य किया गया है, जो आपको समझने की प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़े, बल्कि उनमें संज्ञान का भी विकास हो, वो वैज्ञानिक तर्कशील हो, और उनमें से 45 सभ्यताएं नष्ट हो गई और केवल एक सबसे प्राचीन सभ्यता, जो सबसे सनातन सभ्यता है, भारतीय सभ्यता अभी भी जीवित है। तो यहाँ साथ प्रतिस्पर्धा में खड़े होना है, लेकिन हमें अपनी संस्कृति को छोड़ना नहीं है। हमारा जो सिविलाइजेशन है, हमारी जो सभ्यता है, वो सबसे हमें अपने लिए कुछ विशेष विषय चुनते हैं जो कि आपके रुचि के होते हैं, जो कि आप मेजर और माइनर में पढ़ते हैं, उसी तरह से आपको वोकेशनल चुनने की भी सुविधा मिल रही है यहाँ पर। अब ये जो करिकुलम है आपका, इसको इस तरह से भी डिज़ाइन किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो कि इस शिक्षा प्रणाली में प्रवेश करता है, फर्स्ट ईयर में यदि वो आता है और वो किन्हीं कारणों से अपनी एजुकेशन को पूरा नहीं कर पाता है, ऐसी स्थिति में भी वो खाली हाथ यहाँ से नहीं जाएगा। फर्स्ट ईयर वाले को सर्टिफिकेट का एक सर्टिफिकेट, कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा,